What is the least common multiple LCM of 15, 6 and 10? हमें पता लगाना है कि 15, 6 और 10 का LCM, जो कि abbreviation है least common multiple का, ये कितना होगा? और ये जो word है least common multiple, ये अपने आप में ही काफी intuitive है. Least common multiple का मतलब है सबसे छोटा common multiple. तो हमें यहाँ पर 15, 6 और 10 का सबसे छोटा common multiple पता लगाना है. और ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं इन तीनों के multiples को लिखने से शुरुआत कर सकती हूँ. और इन तीनों के multiples में जो मुझे सबसे छोटा common multiple मिलेगा, उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा least common multiple होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं 15 से. तो अगर मैं 15 के सभी multiples लिख लूँ, तो 15 times 1 होता है 15, 15 times 2 is 30, 15 times 3 is 45, और 45 में अगर हम 15 add कर दे, तो ये हो जाता है 60, 60 plus 15, 75, 75 plus 15, 90, 90 plus 15, 105. तो इसके आगे भी 15 के काफ़ी सारे और मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन चलिए अब हम 6 के मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं. अगर हमें इन मल्टीपल्स में और 6 के मल्टीपल्स में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिला, तो हम इसके आगे के मल्टीपल्स की बात करेंगे. चलिए बात करते हैं अब 6 की. तो 6 टाइम्स 1 होता है 6, 6 टाइम्स 2 12, 6 टाइम्स 3 18, 6 फोर्स आर 24, और 24 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो 30, 6 times 6 हो जाएगा 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, और 6 times 10 हो जाता है 60 के बराबर. तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 15 और 6 इन दोनों के ही multiples में 60 आता है, यानी कि 60 इन दोनों का ही एक common multiple है. लेकिन क्या ये वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि 15 और 6 इन दोनों में कॉमन है? चलिए देखते हैं. अगर हम 15 के मल्टीपल्स को देखें, तो 15 के मल्टीपल्स में है 30 और 6 के मल्टीपल्स में भी 30 आता है, यानी कि 15 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 30. तो 30 हमारा एलसीएम होना चाहिए. यहाँ पर ये वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि इन दोनों में कॉमन है. और रही बात 60 की, तो 60 भी एक कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है. इसी तरीके से हमारे पास और भी कई सारे मल्टीपल्स होंगे 6 और 15 में जो कि कॉमन होंगे, लेकिन 30 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. तो अगर इस सवाल में हमसे पूछा जाता कि हमें सिर्फ 15 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो सिर्फ 15 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता 30 के बराबर. लेकिन हमें तो अभी 10 के मल्टीपल्स के बारे में भी सोचना है. तो चलिए 10 के सभी मल्टीपल्स को लिख लेते हैं. तो 10 टाइम्स 1 होता है 10, 10 टाइम्स 2 होता है 20, 10 टाइम्स 3 होता है 30, 10 टाइम्स 4 होता है 40, और इसी तरीके से 10 के मल्टीपल्स आगे बढ़ते रहते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 30 10 का भी एक मल्टीपल है, यानी कि 30 हमारा वो सबसे छोटा मल्टीपल है 15, 6 और 10 का, जो कि इन तीनों में कॉमन है. यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि LCM ऑफ 15, 6 एंड 10 ये बराबर है 30 के. 30 ना ही सिर्फ 15 और 6 का LCM है, ये इन तीनों का भी LCM है. या फिर हम LCM को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 15, 6 और 10 इन तीनों से ही कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो 30 हमारा LCM है यहाँ पे. तो ये तो एक तरीका है LCM निकालने का, जहाँ पे हम दिए गए नंबर्स के मल्टीपल्स लिखते जाते हैं और उन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वो हमारा LCM हो जाता है. और दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का. तो उसमें हम सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और जो हमारा LCM होगा उसमें हमारे इन तीनों नंबर्स के सभी प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए. और मैं क्या कहना चाहती हूँ ये अभी आपको समझ आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं 15, 6 और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से. तो 15 को अगर हम चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5. 3 टाइम्स 5 हमें 15 देता है,
और ये हमारे 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो 6 को मैं 2 टाइम्स 3 लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 3 होता है 6 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम 10 को देखें तो 10 हमें मिलता है 2 टाइम्स 5 से, 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और ये दोनों ही 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ से क्या चाहते हैं कि जो हमारा एलसीएम होगा 15, 6 और 10 का, एलसीएम ऑफ 15, 6 एंड 10, इसमें हमारे इन तीनों नंबर्स के सभी प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। यानी कि हमारे नंबर में, हमारे एलसीएम में 3 टाइम्स 5 तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 3 टाइम्स 5 होगा तभी हमारा ये एलसीएम ये डिविजिबल होगा 15 से। और हम जानते हैं कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो इनमें से 15 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 3 टाइम्स 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और वो नंबर 3 टाइम्स 5 से तभी डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 3 टाइम्स 5 आता हो। तो इसलिए हमारे एलसीएम में 3 टाइम्स 5 तो होना ही होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे नंबर में 2 टाइम्स 3 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे नंबर में 2 टाइम्स 3 होगा तभी हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तो पहले से ही है इस नंबर में, हमें बस एक 2 यहाँ पर और चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स 3 डाल देते हैं इस तरीके से, तो हमारा ये वाला नंबर अब ये 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि मेरा ये वाला पार्ट ये डिसाइड करता है कि मेरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, और मेरा ये 3 टाइम्स 5 वाला पार्ट ये डिसाइड कर रहा है कि मेरा नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। और 10 से डिविजिबल होने के लिए हमारे एलसीएम में 2 टाइम्स 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस नंबर को देखें तो यहाँ पर तो पहले से ही 2 टाइम्स 5 है, यानी कि मेरा ये 2 और ये 5 ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मेरा ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये वो सबसे छोटा नंबर होगा जो कि इन तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये नंबर हमारा एलसीएम होना चाहिए। इसीलिए हमारे एलसीएम में हमारे दिए गए नंबर्स के सभी प्राइम फैक्टर्स आने ही आने चाहिए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 15 के भी दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 6 के भी दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और 10 के भी दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा फैक्टर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमने अपने एलसीएम के सभी फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अब चलिए पता करते हैं कि हमारा एलसीएम क्या होगा। तो हमारा एलसीएम है 2 टाइम्स 3 6, और 6 टाइम्स 5 ये होता है 30 के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एलसीएम 15, 6 और 10 का ये बराबर है 30 के। और हम देख सकते हैं कि 2, 3 एंड 5 हमारे 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि ये वाला जो फॉर्म है हमारे एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये वाला जो तरीका है, ये तरीका थोड़ा बेटर है हमारे इस तरीके से, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स हैं तो बहुत बड़े नंबर्स के मल्टीपल्स को लिखते जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे तो दोनों ही तरीके एलसीएम निकालने के बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस वाले तरीके से एलसीएम निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, जहाँ पे हम सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं और फिर एक ऐसा नंबर बनाते हैं जो कि उन सभी के प्राइम फैक्टर्स से मिलकर बना हो।